हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, अगर आप सभी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर जो है मिस हो गए हैं, या एडमिट कार्ड मिस हो गई है, या साथ ही दोस्तों आप सभी के जाति या आप सभी के मार्कशीट में आप सभी के नेम या अलग हैं, या टेंथ में अलग हैं, या ट्वेल्थ में अलग हैं, तो उन सभी जितने भी आप सभी के कन्फ्यूज़न जो लगातार कमेंट पे निकल कर आ रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले, वो सारी चीज़ आज के इस वीडियो में उन सभी चीज़ों के लिए मैं आप सभी को अपडेट करने वाला हूँ कि किस तरह का किस तरीका से और क्या करना चाहिए कि जिसमें आप सभी की डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट ना किया जाए और आप सभी की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आगे बढ़ जाए। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, जिनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं ANM उम्मीदवारों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग लगातार हमें कमेंट देखने को मिल रहे थे। साथ ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो जाएगी, साथ ही जो उसकी जिला ऑर्डर है वो कब तक हो जाएगा, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बाकी उम्मीदवारों तक भी यह इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो सबसे पहले दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो चीज़ आपसे मांगी जाएगी, आप सभी के ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जब आपने फॉर्म फिल किया था तो उस समय आप सभी को ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म के यहाँ पर जो है प्रिंट मिली होगी, उस प्रिंट को आप सभी को रखना है। हो सकता है कि कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके यहाँ पर जो है फॉर्म वो है वो मिसमैच हो गए, यानी कि दोस्तों जो फॉर्म है वो मिस कर गए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से भर्ती अटकी पड़ी थी। अब जब इसकी जो है रिज़ल्ट आई तो उम्मीदवारों के यहाँ पर फॉर्म जो है इधर से उधर हो चुके हैं, जो नहीं मिल रहे, तो वो उम्मीदवार क्या करें। सबसे पहले ANM के लिए प्रक्रिया चालू है, तो उसमें सबसे पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन ID से और अपने पासवर्ड से जाकर वो वहाँ पर जो है लॉगिन करके सबसे पहले आप सभी अपने जो है प्रिंट आउट को डाउनलोड कर लें। नहीं तो दोस्तों, सबसे पहले आप जो है अगर फॉर्म फिल किए हैं तो आप सभी के मेल पर एक यहाँ पर जो है मेल किया होगा आपके फॉर्म को लेकर, वहाँ पर भी जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बस उस डेट को मेंशन करना है कि आपने कब फॉर्म फिल किया था, या आप सर्चिंग बार पर जाकर भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों, एडमिट कार्ड को लेकर आप सभी के पास होते हैं, और किसी के भी एडमिट कार्ड खोने की कोई भी अपडेट ऐसी निकल कर नहीं आ पा रही है। यहाँ पर स्कोर कार्ड दोस्तों अभी तक जारी है, जल्द से जल्द जाके डाउनलोड कर ले या प्रिंट कर ले, उसे एक PDF बनाकर अपने फाइल के अंदर रख दें। साथ ही यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट की, यानी कि जो लिस्ट जारी की गई है उसमें आप सभी को यहाँ पर जो है हाइलाइटेड कर वहाँ पर रख लेना है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो यहाँ पर अपडेट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों उम्मीदवारों के कन्फ्यूज़न थे, 10th के मार्कशीट में नाम अलग है और यहाँ पर जो है 12th में नाम अलग है। तो दोस्तों, जो नाम अलग है उसके लिए यहाँ पर जो है आप सभी के लिए यहाँ पर जो है एफिडेविट कराकर यहाँ पर वो दे सकते हैं, और यह मान्यता पूरे तरह से की जाएगी। इसलिए 10th के और 12th के सर्टिफिकेट आप सभी को एफिडेविट करा ले, अगर उसमें कोई भी एरर है फादर के नेम में, यहाँ पर जो है मदर के नेम में, या आपके नेम में। फिर उसके बाद दोस्तों, आप सभी के पास ANM के मार्कशीट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और यहाँ पर दोस्तों यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल ही आप ना भूलें। ओरिजिनल और यहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी दोनों ही ले जाएं। दोस्तों, अगर आप सभी के पास ANM उत्तर प्रदेश की यहाँ पर जो है नर्सिंग कॉलेज की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो दोस्तों आप ये DV के प्रोसेस में जाना ही मत, क्योंकि आप सभी को रेट कर दिया है। क्योंकि साफ साफ कहा गया था उत्तर प्रदेश यहाँ पर जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पर जो है के तरफ से नर्सिंग काउंसलर की जो रजिस्ट्रेशन है सर्टिफिकेट है वो होनी एकदम ही ज़रूरी है। साथ ही उत्तर प्रदेश फार्मास काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर फार्मेसी भी आपके पास होनी ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों, PCS ग्रीन कार्ड आप सभी के पास होनी चाहिए फार्मिस्ट की, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर दो करेक्टर सर्टिफिकेट आप सभी के पास होनी चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट आप सभी के पास बिल्कुल ही होनी चाहिए। अब साथ ही आप सभी के पास पड़ता है कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर चरित्र, यानी कि साथी जो आप सभी की है जो EWS सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों एक चीज़ है, क्योंकि इन सभी चीज़ों की जो डुप्लीकेट कॉपी है कम से कम 4 से 5 आपको रख लेना है, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो कम से कम आपको यहाँ पर जो है 12 पीसेस रख लेनी है, क्योंकि कितनी नीड्स पड़ेगी उसके बारे में कोई भी संभावना नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसकी यहाँ पर जो DV है वो कब कराई जाएगी।
जो इसकी डीवी की प्रक्रिया है दोस्तों, वो सारे रिजल्ट जारी करने के बाद यहाँ पर कराई जाएगी। 2024 के जनवरी के सेकंड वीक तक स्टार्ट कर दी जाएगी और जो जिला ओटन है वो आप सभी के फरवरी के 2024 में तीसरे वीक तक करा ली जाएगी। इन प्रक्रियाओं को दोस्तों इस तरह कराया जाएगा, आपके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे स्टडी जोन के माध्यम से आप सभी को पूरी सहायता की जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चाहेंगे।